नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज अनिकेत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यूज विद यू में। दोस्तों आज है 8 फरवरी 2019 दिन शुक्रवार, समय हो चला है आज की तमाम खबरों को जानने का। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी के बीच आज की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए इस न्यूज वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। Subscribe my YouTube channel News with Yogi and press the bell icon for more updates। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी और चर्चित खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोले, मेरी सरकार में एनपीए नहीं उसका ब्याज बढ़ा है। या दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में कांग्रेस और यूपीए सरकार को जमकर निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिसे देश का पैसा लेकर भागने वाले लोग आज रो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यालय में नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए नहीं बढ़ा है बल्कि उसका ब्याज बढ़ा है। पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद दे रहे थे। आपको बता दें कि पीएम ने दावा किया कि ये पहले कल्चर था, नामदार के एक फोन पर लोन दे दिए जाते थे, इसके बाद उसे कोई पूछने वाला नहीं होता था कि वह लोन वापस आया या नहीं। पीएम ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि आजादी के बाद 2008 तक 18 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया, लेकिन सत्ता भोग की जो नीति रही उसमें यह देखा ही नहीं गया कि पैसे पे कहां जा रहे हैं। पीएम ने यह भी बताया कि 2008 से 2014 तक कुल 6 वर्षों में 52 लाख करोड़ हो गया, यह फोन बैंकिंग से हुआ, लोगों के पैसे को लूटा जा रहा था। साथ ही प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जो लोग पैसे लेकर भाग गए हैं वह आज रो रहे हैं। उन्होंने विजय माल्या का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे लोग ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं 9000 करोड़ लेकर भागा था लेकिन सरकार ने 13000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। वो ट्विटर पर कहते हैं कि सुबह जब सोकर उठता हूं तो देखता हूं कि फला संपत्ति जब्त हो गई। पीएम ने कहा कि नए कानून से बैंकों को पैसा लेकर भागने वाला बच नहीं सकता। जिन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि आपने लूटने वाले को लूटने दिया लेकिन हमने उन्हें वापस लाने की कोशिश की। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में खराब मौसम के चलते गुरुवार शाम को करीब 1.5 दर्जन विमानों का रास्ता बदलना पड़ा। इनमें 14 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल हैं। दिल्ली उतरने वाले विमानों को दिल्ली के पास के शहरों में के एयरपोर्ट में उतारा गया। दिल्ली में रविवार को बारिश और ओले देखने को मिले। आपको बता दें कि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम 6 से 7 बजे के बीच खराब मौसम के चलते 18 उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा। रनवे पर बारिश और ओले होने की वजह से विमानों को दिल्ली नहीं उतारा गया। इसके अलावा बारिश की वजह से शाम के समय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी भी कम हो गई थी। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से किए सवाल जवाब, दूसरे दिन 10 घंटे तक चली पूछताछ। यहां दोस्तों आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा आज एक बार फिर परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुए। रॉबर्ट वाड्रा को सुबह 10:30 पर ईडी के दफ्तर पहुंचना था लेकिन वह 11:25 पर दफ्तर पहुंचे। दूसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई। रॉबर्ट वाड्रा लंच के बाद एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, पूछताछ जारी रहेगी। साथ ही ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को जयपुर में भी पेश होने को कहा। वाड्रा को ईडी के जयपुर दफ्तर में 12 फरवरी को पेश होना होगा। इससे पहले वह बुधवार को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे जहां करीब 6 घंटे की ईडी अधिकारियों ने उनसे कई सवाल पूछे। बुधवार शाम 4 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर छोड़ने पहुंची थी। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि बिहार के शेल्टर होम कांड पर बिहार सरकार से अदालत नाराज है। सीबीआई जिस तरह से अदालत की रडार पर आई है उससे सीबीआई की मुश्किलें बढ़ सकती है। इससे पहले सीबीआई अदालत में 73 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें करीब 2 दर्जन आरोपियों के खिलाफ रेप समेत पॉक्सो की धारा 19 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने सबूत के तौर पर 143 दस्तावेज और 102 गवाह शामिल किए हैं। चार्जशीट में सभी आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तैमूर अली खान की लोकप्रियता कई बॉलीवुड सितारों से भी ज्यादा है। जाहिर है मीडियाकर्मी और फोटोग्राफर सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे की तस्वीर पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इस वजह से कई बार सैफ और करीना की प्राइवेसी में खलल भी पड़ता है। हालांकि तैमूर के डैडी कूल के हालिया कदम ने मीडियाकर्मी को एक स्वीट सरप्राइज दिया। एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर ने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट में बताया कि जहां सैफ कई बार फोटोग्राफर से इरिटेट हो जाते हैं
उन्हें तैमूर से दूर रहने के लिए कहते हैं। वही कई बार वे फोटोग्राफर्स को सरप्राइज भी दे देते हैं। ऐसा ही सरप्राइज सैफ ने एक बार फिर दे दिया जब उनके घर के बाहर खड़े फोटोग्राफर्स को उन्होंने कॉफी ऑफर की। बता दें कि सैफ और करीना अक्सर तैमूर के मीडिया एक्सपोजर को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्होंने कई बार कहा कि वे अपने बच्चे के लिए एक सामान्य बचपन चाहते हैं। तैमूर का जन्म 20 दिसंबर 2016 को हुआ था। करीना ने हाल ही में एक रेडियो इंटरव्यू में बताया कि सैफ तैमूर के बेहद करीब है। करीना ने कहा था कि कई बार मुझे उन्हें काम के लिए भेजना पड़ता है। वो भुज जा रहे थे तो एक शूट के लिए उन्होंने कहा कि शूट कैंसिल कर दो। साथ ही करीना ने बताया कि सैफ तैमूर को छोड़कर ही नहीं जाना चाहते। करीना के मुताबिक सैफ के जिद करने के बावजूद मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें काम पर तो जाना ही होगा। इसके अलावा सैफ अली खान की बहन सुहा अली खान ने भी बताया कि सैफ अपने बेटे के साथ टाइम बिताना काफी पसंद करते हैं। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि सपना चौधरी के डांस प्रोग्राम में चली लाठियां, कईयों के फूटे सिर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के चर्चित हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में है। सपना चौधरी के डांस नाइट प्रोग्राम में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के पचोर में बुधवार को आयोजित सपना चौधरी डांस नाइट के दौरान भगदड़ मचने के बाद पथराव हो गया, जिसको लेकर पुलिस ने शो देखने आए लोगों पर लाठियां चला दी। इस लाठीचार्ज में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और राजगढ़ जिले के पचोर के इवेंट जोन एंड प्रोडक्शन के द्वारा सपना चौधरी के स्टेज शो का आयोजन रखा गया था। इस कार्यक्रम में आयोजकों ने टिकट के माध्यम से लगभग 1,00,000 रुपए की आय अर्जित कर सपना चौधरी को बुलाया था। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि जम्मू कश्मीर में करगिल के द्रास में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ पारा -31.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। इसके बावजूद यहाँ भारतीय सेना के जवान देश की रक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं। बताया जाता है कि रूस के साइबेरिया के बाद द्रास दुनिया में सबसे दूसरा ठंडा रिहायशी इलाका है। भारत में द्रास से ज्यादा ठंड आज तक कहीं दर्ज नहीं की गई है। श्रीनगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्रास को लद्दाख का गेटवे भी कहा जाता है। यह इलाका हिमालय से घिरा हुआ है। यहाँ ठंड के दिनों में नाले नदियों में पानी जम जाता है। साथ ही अमूमन यहाँ पारा -30 से -40 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। यहाँ सबसे कम तापमान 1995 में -60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस खून जमाने वाली ठंड के बावजूद यहाँ 1300 लोग रहते हैं। और यहाँ रहने वाले 60 वर्षीय आदत अली बताते हैं कि ठंड के दिनों में यहाँ लोग घरों में बंद रहते हैं। बिजली की भी यहाँ दिक्कत हो जाती है। इस कारण हम गर्मी बनाए रखने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाते हैं। गर्मी के दिनों में खाना बनाने पहले स्टोर कर लिया जाता है ताकि वो ठंड में काम आ सके। टॉयलेट भी यहाँ कम जाते हैं और हमें ताजी सब्जियां भी नसीब नहीं होती। हम बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बात करें अगर शेयर मार्केट की तो सेंसेक्स में 100 से ज्यादा अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी उछाल। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में लॉटरी रौनक का असर गुरुवार को भी दिखा रहा। बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 51.33 अंकों की मजबूती देखी गई। निफ्टी भी 8 अंकों की बढ़त के साथ 11,070.45 पर खुला। इसके बाद सेंसेक्स सुबह 9:58 पर 100.69 अंकों की बढ़त के साथ 37,075.92 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 24.10 अंकों की मजबूती के साथ 11,086.55 पर कारोबार करते दिखे। दोस्तों आपको अगली खबर बता दे जो कि आम लोगों के लिए राहत भरी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि RBI ने ब्याज दरों में की कटौती, किसानों के लिए भी बम्पर छूट का ऐलान। यहाँ दोस्तों केंद्रीय रिजर्व बैंक अपनी 6ठी मौद्रिक समीक्षा नीति का ऐलान कर दिया है। RBI ने रेपो रेट 6.5 से घटाकर 6.25% कर दिया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट भी घटाकर 6.00% कर दिया गया है। रेपो रेट में कटौती से आम आदमी को राहत मिलने वाली है। अब होम लोन के ब्याज दरों में कटौती होगी। MPC के 6 में से 4 सदस्यों ने रेपो रेट में कटौती के फैसले का समर्थन किया, जबकि विरल आचार्य और चेतन घाटे रेपो रेट में कटौती के पक्ष में नहीं थे। RBI का कहना है कि 2019 से 20 में देश की GDP की रफ्तार 7.4% रह सकती है, जबकि महंगाई की दर 2019 से 2020 के पहले क्वार्टर में 3.2, दूसरे में 3.4% और तीसरे हाफ में 3.9 क्वार्टर तक रह सकती है। RBI ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को मिलने वाले लोन की लिमिट भी बढ़ाई है। अब बिना किसी गारंटी के किसानों को 1.60 लाख तक का लोन मिल सकेगा। पहले ये लिमिट 1,00,000 रुपए तक की थी। इसके लिए जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि गुजरात में पुलिस के लिए सिरदर्द बनी लुटेरी दुल्हनों का राज खुल गया। पुलिस के मुताबिक सूबे की लड़कियों को अगवा कर उन्हें लुटेरी दुल्हन बनाया जाता था, फिर उनका सौदा किया जाता था। अहमदाबाद पुलिस ने इस लड़कियों का गिरोह चलाने वाले एक महिला को धर दबोचा है।
जिसकी पहचान माया सतवार के रूप में हुई है, उसने गुजरात की कई लड़कियों को दूसरे राज्यों में बेच डाला। साथ ही पुलिस ने आरोपी महिला माया सतवारा से उनके साथ उसके दो सहयोगियों आनंद और शैलेंद्र को भी गिरफ्तार किया है, जो पेशे से ऑटो रिक्शा चालक है। आरोप है कि दोनों आरोपी भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाकर माया के पास ले आते थे। पूछताछ के दौरान उन दोनों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। पुलिस को पता चला कि माया ने गुजरात की 5 लड़कियों को बेचा है, जिनमें से कुछ को महाराष्ट्र में बेचा गया। 5 लड़कियों के बारे में जानकारी मिली है, माया ने उन्हें शादी का झांसा देकर बेच डाला। मगर पुलिस का कहना है कि इस काम के लिए माया 10,000 रुपए मिलते थे, हालांकि ये बात पुलिस के गले नहीं उतर रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज वीडियो। ऐसे ही न्यूज वीडियो आप तक रोज पहुंचती रहे तो हमारे चैनल न्यूज विद यूबी को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज विद यूबी। तब तक के लिए अलविदा।